जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना बात करूंगा कि अगर आप भारतीय रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं और आप नाइट ड्यूटी से बचना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा जॉब है, कौन सी ऐसी नौकरी है जिसमें कि आप अगर चले जाते हैं तो नाइट ड्यूटी आपको नहीं दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कोई स्टूडेंट अपने कॉलेज टाइम में होता है या कॉलेज पूरा करके वो नौकरी पाना चाहता है तो उस समय उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहले ही डिमांड ये रहती है कि मुझे किसी भी तरीके से सरकारी नौकरी मिल जाए, रेलवे में मिल जाए तो उस पर और सोने पे सुहागा है, ठीक है। लेकिन जब वो ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है और उसको ऐसी ड्यूटी मिल जाती है जिसमें उसको नाइट ड्यूटी मिल जाता है, जहाँ पे उसको सोना इम्पॉर्टेंट है, फिर भी उसको नाइट ड्यूटी करना पड़ रहा है क्योंकि उसकी जो है ये ड्यूटी है, तो वही ड्यूटी जो उसको नौकरी लगने से पहले बड़े ही रुचिकर तरीके से उसको फॉर्म भरता है, उसकी तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही जॉब लग जाता है तो वही नाइट ड्यूटी उसके लिए जी का जंजाल बन जाता है। तो आप ये गलती ना करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे सोना इंपॉर्टेंट है, नाइट ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पहले ही सोच समझ के इसमें ड्यूटी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जो नाइट ड्यूटी है ये वाकई खतरनाक तो है ही है। क्यों? क्योंकि आप जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो उस समय आप जाग रहे होते हैं, बुरी तरीके से एकदम मतलब नेचर के खिलाफ काम कर रहे हैं। जब भगवान ने हमें सोने के लिए रात बनाया है, लेकिन हमें वो रात सोने में नहीं जा रहा है, वो जा रहा है आपका ड्यूटी करने में। हालांकि इसका नाइट ड्यूटी अलाउंसेस आपको मिलेगा, आपने अगर नाइट ड्यूटी किया है तो आपको दिन में सोने के लिए दिया जाएगा, लेकिन रात की बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर हम अगर ड्यूटी की बात करें तो ALP यानी लोको पायलट यानी ट्रेन ड्राइवर जो ड्यूटी करता है नाइट ड्यूटी, वो एकदम खतरनाक है। बोले तो जितनी देर तक उसकी ट्रेन चल रही है उतनी देर तक ये जो आंखें हैं बिल्कुल पलके झपकाना नहीं है, एटलीस्ट जब तक आप अपने पैसेंजर को डेस्टिनेशन तक छोड़ नहीं देते, या फिर आपने हजारों टन की मालगाड़ी लेके आप चल रहे हो तो भी आपको 8 से 10 घंटा मान के चलो, कभी कभी मालगाड़ी में अगर आप काम करते हैं तो 12 घंटे तक ये ड्यूटी हो सकती है। ऐसे कंडीशन में ये नाइट ड्यूटी आपके लिए बहुत बोरिंग लगेगा, तो उसमें जो है आप अपनी आंखें बंद भी नहीं कर सकते। तो सबसे खतरनाक अगर मैं नाइट ड्यूटी मानता हूँ तो वो मानता हूँ सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट का, जहाँ पर वो अपनी आँखें भी झपका नहीं सकता, क्योंकि उसके पीछे या तो हजारों मासूम जाने हैं या फिर हजारों टन के जो है माल वो लेके जा रहा है। उसमें अगर उसकी झपकी लग जाएगी, उसकी नींद लग जाएगी, तो आप उसकी जान तो खुद जाएगी। ये रेलवे की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए ALP की ड्यूटी आप देख सकते हैं, खतरनाक है, नाइट ड्यूटी है। इसी तरीके से टेक्नीशियन का भी नाइट ड्यूटी उसमें शामिल है, क्योंकि हमें वहाँ पे शिफ्ट वाइज ड्यूटी मिलती है, 8 घंटा दिन की तो 8 घंटा नाइट की, इस तरीके से शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहेगी, वहाँ भी हमें सोने को नहीं मिलेगा। हालांकि आप जो है बैठे हैं तो थोड़े बहुत अपने आंखें बंद कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, बट नाइट नाइट होता है, रात को जागना ही है, आपने वो नाइट ड्यूटी देख लिया। इसके अलावा आपने RPF को भी देख सकते हैं, ये दिन में ड्यूटी तो रहता ही है, इसके अलावा वो नाइट ड्यूटी भी ट्रेनों में गश्त लगाते रहते हैं, चोरों को पकड़ने के लिए स्टेशन पर भी टॉर्च मारते रहते हैं, आपने देखा होगा, तो वहाँ भी हमें नाइट देखने को मिलती है। अब जो है मेन आती है जो वैकेंसी हमारा NTPC की, उसमें देख लेंगे कि क्या क्या है, कौन कौन सी ड्यूटी है जिसमें नाइट ड्यूटी शामिल है, किसमें नाइट ड्यूटी नहीं शामिल है, क्योंकि मैंने ALB का देख लिया, टेक्नीशियन का देख लिया, नाइट ड्यूटी शामिल है, आपने RPF भी देख लिया, उसमें भी नाइट ड्यूटी शामिल है, आप अगर ग्रुप डी ज्वाइन करेंगे तो उसमें भी रात भर जो है पेट्रोलमैन
ट्रैक पर जो है अपना गश्त लगाते रहता है। आपको आपने देख लिया कि नाइट ड्यूटी कहीं हर जगह, मतलब नाइट ड्यूटी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज पर भरोसा करना होगा। इसी में हम देख लेंगे कि आपको अगर नाइट ड्यूटी नहीं चाहिए तो कौन कौन सी पोस्ट पे आपको अप्लाई करना चाहिए, प्रिफरेंसेस कहाँ कहाँ देना चाहिए। आपको अगर वो मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर नाइट ड्यूटी वाला तो है ही है, नाइट ड्यूटी वाला सेलेक्ट कर लेना। पहले नंबर पे आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे नाइट ड्यूटी नहीं है। हम पहले अपने अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की बात कर ले, तो आपको अंडर ग्रेजुएट पोस्ट में सिर्फ दो पोस्ट है। कौन कौन सा? ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और दूसरा है अकाउंटेंट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है। यानी ये दो पोस्ट है जहाँ पे आपकी नाइट ड्यूटी बिल्कुल जीरो है, क्योंकि इनका जो ड्यूटी है, इनका जो काम है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं उनके अंडर में आने वाले हैं। मान लीजिए कि आपका जो है जूनियर क्लर्क के रूप में आपको स्टेशन पे बिठा दिया जाएगा, तो आप जितने भी स्टेशन मास्टर हैं उनके जो है पेमेंट आप निकालेंगे। अगर आपने लोकोमोटिव ऑफिस में बिठा दिया गया, तो आप लोकोमोटिव पायलट के जितने भी एएलपी एएलपी हैं, या फिर आप ट्रेन मैनेजर के ऑफिस में बिठा दिया जाए, तो उनके आपको सैलरी निकालना होगा। और ये ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ सुबह 9 बजे से जाके शाम को 5 बजे तक, यानी 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। सेम टू सेम इनका भी है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये डिवीजन ऑफिस में अकाउंट सेक्शन, जहाँ पे हमारा रेलवे के काम के लिए पैसे इशू किए जाते हैं, सिर्फ वहीं के क्लर्क होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। और इनका भी वही सेम ड्यूटी है जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का है। सुबह 9 बजे जाना, रात शाम को 5 बजे आना, सैटरडे संडे छुट्टी, बाकी दिन जितने भी हॉलीडेज है वो हॉलीडेज छुट्टी। और नाइट ड्यूटी का बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। आप रात के समय में अच्छे से सो सकते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं और बिल्कुल फिट रहेंगे, क्योंकि हमें नाइट ड्यूटी करने से हमारी जो है सेहत पे एक अलग ही प्रभाव पड़ता है, अलग ही हमारा जो है माइंड का जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा शरीर में बहुत सारी बीमारियों का जन्म हो जाता है, चाहे वो पेट की समस्या हो, चाहे वो आपका लीवर किडनी का हो, बहुत सारी समस्याएं उस नाइट ड्यूटी से हो जाती है। लड़कियों के लिए यानी महिलाओं के लिए सबसे सुपर जॉब है। अब हम बात करेंगे कि आपको ग्रेजुएट लेवल के कौन से पोस्ट को सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे कि नाइट ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं है। तो सेम जो आपने यहाँ पे चुना है वही आपको यहाँ चुन लेना है, यानी कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और दूसरा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। यही दोनों पोस्ट अगर आप ग्रेजुएट लेवल में चुन लेते हैं तो चांसेस पूरा पूरा है, चांसेस क्या, आपको नाइट ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। यही है, इतना आप बाकी सब देख सकते हैं इसमें जो है नाइट ड्यूटी कितना ज्यादा है, एक नजर सब पे मार लेते हैं। जूनियर टाइम कीपर टाइम का रिकॉर्ड करता है डिवीजन में, और वो सिर्फ दिन में नहीं रात में भी डिवीजन में चलने वाली गाड़ियों का जो है टाइम का जो है लेखा जोखा इसके पास रहता है। ट्रेन क्लर्क बीपीसी जारी करने वाला इंसान है, वो नाइट ड्यूटी करता है और पूरे जो है लोकोमोटिव जो है गुड्स शेड में, सॉरी गुड्स शेड में जितने भी मालगाड़ी आते हैं उनके जो है ये बीपीसी जारी करता है, बनाता है। तो ये हो गया ट्रेन क्लर्क। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये तो आप समझ सकते हैं सीसीटीसी का ड्यूटी क्या है, वो टीटी है, टीटी का ड्यूटी पूरी रात का ड्यूटी रहता है। इसके अलावा रिजर्वेशन ऑफिस में जहाँ पे रिजर्वेशन होता है, जहाँ पे टिकट दिया जाता है, जहाँ पे इंक्वायरी होता है, तो ये सब नाइट ड्यूटी का काम है, ये सीसीटीसी का। इसके अलावा ट्रैफिक असिस्टेंट है, नाइट ड्यूटी करता है, जो कि सेक्शन कंट्रोलर ऑफिस में बैठता है। इसके अलावा गुड्स गार्ड है, जो ट्रेन मैनेजर है, वो नाइट ड्यूटी करता है, क्योंकि नाइट में तो हमारी ट्रेनें चलती है। लेकिन अगर आपको ये
नाइट ड्यूटी के अलावा अगर आप सैलरी जो है डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी नौकरी में सबसे अच्छी सैलरी है, तो मैं बोलूँगा कि आपको कमर्शियल कम टिकट क्लर्क ले लेना चाहिए, या फिर आप ग्रेजुएशन लेवल में जाते हैं तो गुड्स गार्ड ले लेना चाहिए। इसमें जो है नाइट ड्यूटी तो आपको भरपूर रहेगा, लेकिन हाँ आपको अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है। और सीनियर सीसीटीसी का वही काम है जो हमने बता दिया, सीसीटीसी का काम है, यही उसका बड़ा भाई है। ये चार पांच मैंने बता दिया जो कि नाइट ड्यूटी नहीं है, वही ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेडीज के लिए सबसे बेस्ट जॉब है। इसके बाद हम छठवें नंबर पे आते हैं, सीनियर टाइम कीपर। तो ये जूनियर टाइम कीपर का बड़ा भाई ही है और उसका भी नाइट ड्यूटी है। इसके अलावा सातवां है कमर्शियल अप्रेंटिस, ये भी नाइट ड्यूटी का काम है, क्योंकि हमें ट्रेनों में पार्सल अगर करवाना है तो इसी बुकिंग सुपरवाइजर के पास जाना पड़ेगा जो कि कमर्शियल अप्रेंटिस से होके आता है। इसके अलावा हम आठवां अपने सबसे मेन जो है पोस्ट की बात कर लें तो स्टेशन मास्टर है। ग्रेजुएशन लेवल में बहुत सारे लोगों की ये सबसे पहली पसंद होती है स्टेशन मास्टर का, लेकिन नाइट ड्यूटी में आप इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे कि पूछो मत, पूरा का पूरा आपको ट्रेनों का मूवमेंट, ट्रेनों गाड़ियों का मूवमेंट और संटिंग, आपको ये सिग्नल देना, वो सिग्नल देना, और छुट्टी के दिन अभी आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, बर्थडे के दिन काम करना पड़ेगा, आपके हॉलीडे के भी काम करना पड़ेगा। तो ये वाला काम है ना, अगर आपको हेडक वाला काम नहीं चाहिए तो ये मत लेना, ये जो है वही है नाइट ड्यूटी, इसमें भी शामिल है। तो आपको मैंने बता दिया कि अगर आपको नाइट ड्यूटी नहीं चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप अंडर ग्रेजुएट भर रहे हैं तो ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, या फिर यहाँ से आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यही आपको पोस्ट चुनना होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, जब आप एनटीपीसी का फॉर्म भरेंगे तो पोस्ट को चुनने में आसानी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको कोई और डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, वहाँ मैसेज कर लेना, मैं वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ। बाय बाय।